हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग वीडियो में आप सभी लोगों का। आज हम जाने वाले हैं कादर खान के बंगले पर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कादर खान के बंगले पर। तो मैं आप लोगों को बंगला दिखा देना चाहता हूं। जो बता रहा था ये है पीछे मेरे साइड, तो इधर से मैं दिखा सकता हूँ। ये है पूरा कादर खान का बंगला। तो गाइस, ये बंगला 2005 में बंद हो चुका था। ये बंगला क्यों बंद हुआ और किस लिए बंद हुआ? क्योंकि कादर खान हमारे बीच में अब तो रहे नहीं। ये है पूरा कादर खान का ही बंगला है। और ये है सड़के। मैं तो अंदर जा नहीं सकता फिलहाल, अंदर डोगी और सिक्योरिटी लगी हुई है, लेकिन हमको जाने नहीं देंगे ऐसे ही। फिलहाल आप लोग वीडियो में बने रहो, क्योंकि अभी और आगे चल के हम दिखाएंगे और भी चीज़ें। तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। पूरा यहाँ से बहुत ही बड़ा बंगला है। एक तो टट्टर आ रही है, कहीं पता चढ़ा दिया तो भी हो जाएगी राम राम। क्या बोला तूने? तो हम लोग कादर खान पे आते हैं फ़ोटोशूट वगैरह के लिए। हम यहाँ पर आएंगे, फ़ोटोशूट करते हैं और चले जाते हैं। बहुत अच्छी जगह ये, आपको दिखा देता हूँ। पूरा नज़ारा ही कुछ अलग ही है। बहुत सी पब्लिक रहती है, कहती है कि जब कादर खान आए थे तो ये पत्थर ऑटोमेटिक रोड फूट गया था। देख रहे हो, रोड चिरचिरा के फटा हुआ है। गाइस, ये बंगला नासिक सिटी में है जो मैं आपको दिखाया, और इसका मेन लोकेशन है इष्ट विनायक नगर। तो आप लोग भी आ सकते हो, यहाँ घूम के जा भी सकते हो, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये देख रहे हो अभी साफ़ सफाई चालू है, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पर साफ़ सफाई कुछ भी नहीं हुआ था। ये रहा अंदर का ही सीन है। अंदर का सीन देख सकते हो आप, कितना सुंदर लग रहा है मेरे को। ये भी तो घास भूसा पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर सफाई हो गई, घानी घान था, पूरा सफा दिया। अभी तो सफाई कर्मी आए। तो आज का वीडियो बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।